Hi, this is me Poonam and you're watching my YouTube channel. Today in this video I am sharing this product with you. And also मैं अपने दो previous video में इस hair care oil के बारे में review दे चुकी हूँ. And तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक बार जो हम उसमें queries complete नहीं कर पाए थे, आज के इस video में हम वो भी complete करेंगे, क्योंकि इस hair oil से related मुझे बहुत सारे DM आते हैं जो कि पूछते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कब करना है, कितनी टाइम करना है. तो आज हम जानेंगे यही सारी चीजें. सो हाय गाइस, दिस इज मी पूनम. ऑल्सो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, तो आज के इस वीडियो में हम और जो भी चीजें है ना वो सब वेरियस इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट. तो ये है रांचा हेयर केयर ऑयल. अगर आपने इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो देखे होंगे इस प्रोडक्ट के, तो आपको पता होगा कि ये हेयर ऑयल है क्या वर्क करता है क्या नहीं, तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. तो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, ये रांचा हेयर केयर ऑयल है जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, डैंड्रफ को हटाएगा एंड आपके जो हेयर डैमेज है उनको रिपेयर करेगा. So this is a very very helpful hair oil and very useful hair oil. तो अगर आप एक बार इस पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको मतलब इस ऑयल को स्किप करने की जरूरत नीड नहीं होगी. ये आपको एक ही ऑयल में आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेगा. लाइक जब आप इसे लगाओगे तो आपको हेयर वॉश के बाद आपके हेयर सॉफ्ट नजर आएंगे एंड आपको कंडीशनर का मतलब जरूरत नहीं होगी किसी भी, आपको कंडीशनर की भी अगर आप इसे अप्लाई कर दो तो नहीं होगी. बट अब हम डिस्कस करते हैं कि इस ऑयल को कब लगाना चाहिए कब नहीं. तो जैसे कि हर ऑयल का नियम होता है, हफ्ते में जितनी बार आप ऑयलिंग कर सकते हो कीजिए, लेकिन ये याद रहे कि घर से निकलने के टाइम, बाहर निकलने के टाइम कभी भी हेयर ऑयलिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब डस्ट और पोल्यूशन होता है बाहर वो आपके स्कैल्प पर जम जाता है, जिससे आपके जो हेयर्स के जो होल्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं और हेयर रिग्रोथ रुक जाती है. तो ऐसी मिस्टेक ना करें, इन चीज़ों को ध्यान में रखें. अदरवाइज आप हेयर ऑयल कभी भी कीजिए, बट हफ्ते में दो या तीन से ज़्यादा बार आपको हेयर वॉश नहीं करने हैं, क्योंकि ज़्यादा हेयर वॉश करने से भी आपके जो हेयर्स हैं वो फॉल होने लगते हैं. तो ये दो मेन चीज़ है, आई थिंक सभी को ऑलरेडी पता रहती है. ठीक है, तो अब हम बताते हैं इसके बारे में. तो इसका भी सेम यही प्रोसीजर है एंड इसका कोई अलग प्रोसीजर नहीं है कि इसको ट्राई इसको लगाने का तरीका अलग हो. बट आपको अपने हेयर्स के, जैसे कि मेरे हेयर्स लंबे हैं, यू कैन सी, है ना, तो उसके हिसाब से मैं हेयर ऑयल लेती हूँ. एंड ऑल्सो मेरे हेयर्स जो मेरे वॉल्यूम्स है ना वो बहुत कम है, तो मैं उसके हिसाब से हेयर्स ऑयल यूज करती हूँ. ठीक है, छोटे से बाउल में आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है और कॉटन पैड लीजिए, कॉटन लीजिए, उससे अपने स्कैल्प पर लगा लीजिए, या तो फिर आप डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हो. लाइक आपने किसी बाउल में ऑयल लिया और लाइक दिस इज अ बाउल एंड इसमें ऑयल आपको इस तरह से डिप करना है अपने फिंगर्स को, इस तरह से आपको लगाना है तेल. ठीक है, एंड ये आपको तेल हमेशा आपको हेयर ऑयलिंग रात के टाइम पे ही करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम ना बहुत टाइम मिल जाता है आपके स्कैल्प को और आपकी ऑयल को एक साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि जितने अच्छी तरह से ये आराम से रहेंगे बिना मतलब डस्ट पोल्यूट इन सब चीज़ से दूर रहकर, उतने अच्छे से ये ऑयल ना हमारे स्कैल्प पर वर्क करता है. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम भी लगा रहे हो, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग टाइम में लगाओगे और फिर तुरंत आप बाहर जाओगे तो अगर बाहर कुछ गंदगी वगैरह है, धूल वगैरह है, तो वो आपके स्कैल्प पर मतलब जम जाएगी, जिससे हेयर जो हेयर ग्रोथ होती है ना ग्रोथ वो रुक जाती है जब आपके स्कैल्प पर गंदगी बैठ जाती है. तो आप आई थिंक समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दैट्स इट. एंड इसके बाद कोई भी और मतलब कोई भी और तरीका नहीं है इसको लगाना, कैसे लगाना, हफ्ते में दो या तीन बार लगाइए. एंड आपको हेयर वॉश भी आपको हफ्ते में दो या तीन बार से ज़्यादा नहीं करने हैं. तो ये इसका तरीका है. एंड ऑल्सो इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया है, इसका प्राइस 1499 है एंड इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर लेना. ठीक है, आई नो कि इसका जो प्राइस है वो बहुत हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा है, हार्ड बोल रही हूँ सॉरी, तो
आई नो कि इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है एंड मेरे लिए भी वो ज़्यादा था, बट ये ना एक्चुअली एक प्रमोशन वीडियो थी, तो मैंने इसकी स्टार्टिंग में प्रमोशन वीडियो बनाई थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था इसका, पर ये रियली में वर्क करता है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि इस ऑयल को आप सभी बहुत अच्छा प्यार कर रहे हो, इस पे इस प्रोडक्ट को लोग देखते हैं, तो मुझे लगा कि लोग इसको जानने में उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए कि ये रियली में कैसा है कैसा नहीं है, तो इसीलिए मैं लगातार इस पर वीडियोस बना रही हूँ। ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोस ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियो, ठीक है। दिस इज़ अ रायंचा हेयर केयर ऑयल। सो यहाँ बेसिकली इतनी सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, अदरवाइज अगर आपको और भी क्वेरीज हैं आपके पास, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, यू कैन ऑल्सो DM एंड इंस्टाग्राम पर आप मुझे मतलब DM कर सकते हो, कॉमेंट्स कर सकते हो, इंस्टाग्राम तक जाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। एंड सो या दिस ये अच्छा है, तो आई थिंक आपको अगर इसके बारे में सब पता चल ही गया होगा कि क्या है, कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं। रही बात इसके शैम्पू की, तो शैम्पू आप वही यूज़ कीजिए जो आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अभी तक मुझे इसका कोई भी शैम्पू रिसीव्ड नहीं हुआ है, लेकिन अगर मुझे कभी इसका शैम्पू रिसीव्ड होगा तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड अगर मैं बताऊँ कि मैं कौन सा इसके साथ मतलब शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो फिलहाल तो मैं केस किंग यूज़ कर रही हूँ इसके साथ, क्योंकि मैं केस किंग बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, ऑल्सो आपने देखा होगा। तो लेकिन इस वीडियो में हम रायंचा हेयर केयर ऑयल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, अदर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो यस, वीडियो में तो इतना ही, एंड आई होप कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी आपको मिल गई होंगी। एंड सो या एंड सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, एंड फिलहाल आप कौन सा हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, एंड आप कैसे कैसे अपने बालों पे मतलब आपका क्या तरीका हेयर ऑयलिंग करने का, तो आप मुझे वो भी कॉमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके रिव्यूज़ ले मतलब आपके कॉमेंट्स आना एंड उनका रिप्लाई देना। सो या नाउ अब बाय, टेक केयर गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।